इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की
दुनिया ले जाएगा जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म को नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है।
वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा, आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं।
क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने सिटी SP बने संजय सूरी के रूप में बच्चे के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बच्चे का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर। इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है, बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है। मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।
परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गीत घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बुच्ची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है।
साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का
सत्ता बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा, आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेज़ी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफ़ायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है या अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक
वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आसपास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं।
फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय
गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है।
बच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गीत घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं
कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है।
पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का।
बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढोकर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा। परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी, इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बुच्ची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे।
जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व डीजीपी अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं, बच्ची को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं।
क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने सिटी एसपी बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर। इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है, बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है। मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गीत घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बुच्ची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं बच्ची को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।
परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बुच्ची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है।
साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को एतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का
सत्ता बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करती है। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बुच्ची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं बच्ची को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक
वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बुच्ची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बुच्ची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बुच्ची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं।
फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक करीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय
गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के ईद गीत घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है,
बच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। मेहनत, मजबूरी और संघर्ष की कहानी है परीक्षा। आदिल ने छोड़ी छाप, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। परीक्षा कहानी एक स्कूली छात्रा बुलबुल कुमार की, जो प्रतिभाशाली होकर भी अपने लिए बेहतर मौके की तलाश में है, लेकिन उसके पिता बूची पासवान रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि अपने होशियार बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। एक दिन बूची की किस्मत खुलती है और उसे अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने के पैसे मिल जाते हैं। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में बूची एक रिक्शा चालक से चोर बन जाता है। हालांकि अंत में बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वह स्कूल टॉपर बनकर उभरता है। पूरी फिल्म अपने बच्चे के लिए एक माता पिता के संघर्ष को दर्शाती है, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक चोट करती है, जिसमें एक प्रतिभाशाली गरीब बच्चे के सामने अच्छी शिक्षा पाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। फिर उसी समाज से कोई मददगार खड़ा होकर बच्चे की मेहनत को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। कहानी भले ही स्कूली छात्रा बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन इसके असली हीरो बूची है। फिल्म में उन्हें एक गरीब रिक्शा चालक के किरदार को बखूबी निभाया है। साथ ही आदिल हुसैन आपको किरदार के मुताबिक खुद को ढालने की सफल कोशिश करते पर्दे पर दिखाई देंगे। वह पर्दे पर एक साधारण इंसान और अच्छे रिक्शा चालक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने बेटे को अपने ही रिक्शे में सीट पर नहीं बैठाता, क्योंकि इससे रिक्शे में जाने वाले अमीर बच्चों के माता पिता को ऐतराज होता है। बुलबुल की माँ के रूप में राधिका का किरदार भी आपको एक गरीब और मजबूर माँ की दुनिया ले जाएगा, जो खुद के सपनों को छोटा कर अपने बच्चे की उड़ान को पंख लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा बुलबुल की भूमिका निभा रहे शुभम भी पर्दे पर एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसे अपने परिवार की मजबूरी और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। यह फिल्म बिहार के पूर्व DGP अभियानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि इस भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के SP कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफी प्रभावित हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके। वह बुच्ची को बताते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर भी अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है और वह खुद इसका उदाहरण है। वह बुच्ची पासवान की बस्ती में जाकर अपनी ड्यूटी से इधर बुलबुल समेत अन्य गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते और अमीर बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों के कोचिंग देने से मना करते हुए कहते हैं
कि आप लोगों के पास संसाधनों की क्या कमी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के लिए ऐसी फिल्म कोई नया अनुभव नहीं है। मृत्युदंड से लेकर अपहरण और गंगाजल से लेकर आरक्षक तक वह ऐसी फिल्में पहले भी पर्दे पर लाते रहे हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और सिस्टम की चुनौतियों को पर्दे पर उकेरने का काम पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार बगैर किसी बिग स्टार के प्रकाश झा ने एक जरूरी और सार्थक फिल्म बनाई है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।